हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए आमरस की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ठंडा ठंडा आमरस आप गर्मियों में सर्व कीजिए और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए, यहाँ पर फर्स्ट हमको आम लेना है। आम को अच्छे से वॉश कर लीजिए और आपको आम को छील लेना है। तो यहाँ पर मैं सारे आम जो है छील लूंगी इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमारे आम जो है छीलकर रेडी हैं। अब हमें क्या करना है, हमको आम को आम के पीसेस करने हैं ताकि हम इसका रस आसानी से बना सकें। तो यहाँ पर जो है मैंने तीनों आम के जो है पीसेस कर लिए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारे आम के पीसेस रेडी हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर मिक्सी जार लिया है। मिक्सी जार में हम दो बार करके इसका रस बनाएंगे। तो थोड़ा मैं डाल दूंगी, थोड़ा बाकी रखूंगी। और यहाँ पर मैंने मिठास के लिए आधी कटोरी चीनी ली है। जो आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा आप चीनी यूज़ कर सकते हैं, कम हो तो उसके हिसाब से आप डाल लीजिएगा। यहाँ पर आधी कटोरी चीनी डाली है और यहाँ पर एक कप के मेज़रमेंट से मैंने दूध लिया है। दूध इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो है हमें रस रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने उसी कप से एक कप पानी डाल दिया है और यहाँ पर हमारा रस जो है रेडी है। आप चाहें इस पर थोड़ा और पानी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड हमने यहाँ पर ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया है, ताकि हम इसको सर्व करेंगे तब हम इसमें आइस डालनी है। आइस से जो है रस जो है पतला हो जाएगा, इसीलिए हमें थोड़ा सा इसको गाढ़ा ही रखना है। तो बिल्कुल अच्छे से आप इसको पीस लीजिए और आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ठंडा ठंडा जो है हमारा आमरस रेडी है। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड। और ठंडा ठंडा आपका आमरस रेडी है। आप इसको चावल के साथ भी सर्व कीजिए या फिर आप मीठी सेवइयाँ बनाइए, इसके साथ में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, आमरस की रेसिपी बहुत ही ईजी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।